प्रतिभा किसी व्यक्ति अथवा धन संपत्ति की मोहताज नहीं होती और ना ही इसे लेकर उम्र की सीमा होती है। इसलिए तो छोटी उम्र के बच्चे भी ऐसे कारनामे कर दिखाते हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरत में पड़ जाता है। रायसेन से ये खास रिपोर्ट देखिए। मोहताज नहीं होती, ये साबित कर रहा है रायसेन का एक 3 साल का बच्चा। 3 साल का अरब अचूक निशानेबाज है। अपनी इस छोटी सी उम्र में ये बच्चा ठीक से पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल पाता, लेकिन निशाना ऐसा लगाता है कि देखने वाला देखता रह जाए। बच्चे के पिता का कहना है कि आरव ने अपने आप ही निशाना लगाना शुरू कर दिया। वो किसी भी सामान को बंदूक बनाकर निशाना साधने की कोशिश करता है और उसकी यही आदत उसका अचूक निशाना बन गई। कोइंसिडेंस ऐसा है कि मैं एक गन लेके आया हूँ और मैंने उसको खेलने के लिए दी है, तो उससे वो कुछ ऐसे असाधारण निशाने साध रहा था। तो हम लोगों ने, मैंने और मेरी पत्नी ने, हम दोनों ने कुछ लक्ष्य निर्धारित करके उसके निशाने लगवाना शुरू किया जो कि आश्चर्यचकित करने वाले थे। वो लगभग सभी निशाने अपने लक्ष्य पे साध रहा था बिना किसी प्रैक्टिस के। इस तरह के देख करके, उसके जो निशाने हैं वो देख करके हम लोग, पूरा घर स्तब्ध है, सभी लोग। अब हम लोगों ने उसकी रुचि के अनुसार, वो अक्सर जो है किसी भी चीज़ को गन बना के खेलता है, टीवी का रिमोट हो, खिलौने हो, कुछ भी हो, गन की स्टाइल पकड़ लेता है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि उसको आगे ट्रेनिंग के लिए हम लोग इसी फील्ड में आगे ले जाएंगे। बच्चे की इस प्रतिभा से माता पिता भी परेशान हैं। वो खुद भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर उनका बच्चा ये सब कैसे करने लगा। बच्चे का प्रतिभा जो देखी, वो एक मनमोहक प्रतिभा है और ये सब खिलाड़ियों के लिए, उत्साहवर्धन के लिए भी है कि उस बच्चे की अभी से इस खेल में इतनी रुचि है। मैंने छोटे बच्चे की वीडियो देखी, प्लास्टिक की बंदूक से निशाना साध रहा है और उसकी उम्र अभी 3 साल है। अगर वो इस तरह अभ्यास करता रहे तो उसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, वो अच्छा खिलाड़ी बनेगा, हो सकता है भारत के लिए वो ओलंपिक में भी एक पदक दिलाए। मैं ऐसा कामना करता हूँ कि वो खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी बने और उसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। अभी उसकी उम्र बहुत कम है और वो बहुत अच्छा अभ्यास के साथ देखा जाए तो अगर उसे सही तरीके से गाइडलाइन मिल जाए तो उसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। आरव करीब 6 फीट की दूरी से सटीक निशाना लगा लेता है। उसकी इस प्रतिभा से उसके परिवार वाले भी अचरज हैं। बच्चे के परिजनों ने तय किया है कि वो उनके बेटे आरव को आगे नेशनल शूटिंग एकेडमी में प्रवेश दिलाकर शूटिंग के क्षेत्र में ही उसकी प्रतिभा को निखारने की कोशिश करेंगे। देवराज दुबे, न्यूज 18 रायसेन। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।